कनाडा में नेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप रद्द, खेल मंत्रालय ने रद्द किया टूर्नामेंट, आज ही हुआ था चैंपियनशिप का आगाज। पहलवान विवाद को लेकर खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। गोंडा में नेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप रद्द हो गई है। किरण हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। किरण, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से कल खेल मंत्री और पहलवानों के बीच में जो बैठक हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक जितना भी कार्यकाल है, कार्यभार है रेसलिंग फेडरेशन का, वो एक कमेटी देखेगी। और क्योंकि अब उस कमेटी का गठन नहीं किया गया है, इस वजह से खेल मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए ये इमीडिएटली जो टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट अभी चल रहे थे, रद्द किए थे। और जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट इसमें चल रहा था वो गोंडा में हो रहा था, जो कि रैंकिंग टूर्नामेंट था, जिसके बाद ये आदेश दिया गया है रेसलिंग फेडरेशन को कि उसको रद्द कर दिया जाए। और दूसरी बड़ी चीज इसमें ये कही गई है कि जो जो एंट्री फीस ली गई थी इसमें शामिल होने वाले पहलवानों से, उस एंट्री फीस को भी रेसलिंग फेडरेशन को वापस करना होगा। और एक और बड़ा फैसला एक खेल मंत्री मंत्रालय ने लिया है, वो ये है असिस्टेंट सेक्रेटरी जो रेसलिंग फेडरेशन के विनोद तोमर, जिन पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे कि उनके पास 15 से 20 करोड़ की संपत्ति है जो कहां से आई, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको सस्पेंड कर दिया। यानी ये बड़े फैसले आज लिए गए हैं। और जो कमेटी कल खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर तय की थी, उस कमेटी के नामों की घोषणा कल की जाएगी। बहुत शुक्रिया किरण, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।